हिमाचल प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे मेडिकल स्टाफ के क्वारंटीन पीरियड को समाप्त करने की नोटिफिकेशन का कड़ा विरोध जताया जा रहा है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने कोरोना ड्यूटी दे रहे मेडिकल स्टाफ के क्वारंटीन पीरियड को खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और अधिसूचना का विरोध जताया है। संघ ने कहा कि हिमाचल सरकार को अपने प्रदेश के हिसाब से सबको विश्वास में लेकर कोरोना वॉरियर्स के बारे में कोई नीति बनानी चाहिए। अगर इस अधिसूचना को 3 दिन के भीतर वापस नहीं लिया जाता है तो प्रदेश भर के चिकित्सक काले बिल्ले लगाकर इसका विरोध करेंगे। संघ ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से विशेष आग्रह किया है कि इस मामले में हस्तक्षेप और पुनः विचार करके अधिसूचना को जल्द से जल्द रद्द करवाया जाए। इस तरह से अगर आप हमारा जो क्वारंटाइन पीरियड है या जो हमारा कोविड वार्ड में जो ड्यूटी करने के बाद का जो पीरियड है उसको आप खत्म करेंगे और इस बेस पे खत्म करेंगे कि एम्स दिल्ली में जो है वो इसी तरह के ऑर्डर जारी किए गए हैं क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को 2 वैक्सीन की डोज जो है पूरी लग चुकी हैं, तो अब उनको किसी तरह के जो है वो आइसोलेशन या क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह से क्वारंटाइन पीरियड को रद्द करना, वो भी दूसरे बड़े देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस का आप अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन अपनी स्थिति भी तो हमें देखनी पड़ेगी, प्रदेश में हमारी स्थिति क्या है, हमारे पास कितने डॉक्टर हैं। जितने डॉक्टर्स एम्स में काम करते हैं उतने हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए और सबको विश्वास में लेना चाहिए हम लोगों को कि भाई आपके लिए किस तरह से किया जाए। आप देख रहे हैं कि पिछले इतने सारे दिनों से लगातार इतने बड़े वायरल लोड के अंडर हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, वो काम कर रहे हैं। तो अगर 10 दिन वो लगातार उस वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आप देखिए कितना वायरल लोड है। अगर एक दूसरे के पास जरा सा मिलने से ही कोरोना अगर स्प्रेड हो रहा है तो वो तो उतना अंदर काम कर रहे हैं। और इस वायरल लोड में निश्चित ही कभी भी किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। महामारी का समय है, हम अपने प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनको किंचित भी जरा सा भी असुविधा नहीं होने देंगे। ये हमारा उनके प्रति ये हमारी वचनबद्धता है प्रदेश की जनता के प्रति। लेकिन सरकार भी प्रदेश की सोचे कि उनकी वचनबद्धता कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या है। तो कृपया करके आप इस पे ध्यान दीजिए और हमें इस अधिसूचना को रद्द करके हमारे जो चिकित्सक हैं, हमारे जो स्टाफ नर्सेज हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम कीजिए। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। पंचशील नर्सिंग होम नगरोटा बगवा।